नमस्कार दोस्तों, अभी 26 अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी किए हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह घोटाला कितने करोड़ का हुआ होगा? आइए हम कुछ तथ्य पेश करते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जनवरी 2021 से जून 2023 तक उत्तराखंड के एक विभाग में मची यह लूट अंदाजन कितने करोड़ रुपए की रही होगी। बात शुरू होती है जनवरी 2021 से। उत्तराखंड के उद्यान विभाग में निदेशक का पद करीब करीब 2.5 साल से रिक्त था। इस पद पर कोई काबिल आदमी उत्तराखंड की सरकार को दिख नहीं रहा था। 2.5 साल बाद जनवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एचएस बावेजा को इस पद पर लाया गया। यानी कि उत्तराखंड की सरकार को एक काबिल आदमी दिखे जो उत्तराखंड में नहीं थे, हिमाचल सरकार के पास थे, हिमाचल प्रदेश में थे। वहां से प्रतिनियुक्ति पर डॉक्टर बावेजा को लाया गया और डॉक्टर बावेजा हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी और उद्यान विभाग में सेवाएं दे चुके थे। डॉक्टर बावेजा पर हिमाचल प्रदेश में घोटालों के कई मामले चल रहे हैं। हिमाचल सरकार ने उन पर चार्जशीट भी सौंपी हुई थी। इसके बाद भी डॉक्टर बावेजा को उत्तराखंड उद्यान विभाग का निदेशक बनाया गया और इतना ही नहीं, उनको केवल 1 साल की प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखंड में लाया गया था, लेकिन 1 साल बाद उनकी प्रतिनियुक्ति को 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अभिनी डॉक्टर बावेजा पर करोड़ों के घोटाले के आरोप है, जिसकी सीबीआई जांच के आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने जारी किए। और भ्रष्टाचार के जो छींटे हैं और उनकी जो आंच है, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में उद्यान मंत्री गणेश जोशी और रानीखेत से बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कर्ण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कुछ तथ्यों के साथ कुछ बातें कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। उत्तराखंड शासन की जांच पर इन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इतने बड़े घोटाले को बावेजा साहब ने अकेले अंजाम दे दिया होगा? आइए उत्तराखंड के इस ताजे ताजे महाघोटाले के एक सिरे को पकड़कर चलते हैं, ताकि बात को थोड़ा विस्तार से समझा जा सके। अल्मोड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती, गोपाल उप्रेती और कुछ अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। इन लोगों ने जनहित याचिका में उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया। इन याचिकाओं में कहा गया कि उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला किया गया है, फलदार पौधों की खरीद में गड़बड़ियां की गई है। विभाग ने एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पौध लाना दिखाया है। पूरे मामले में वित्तीय और अन्य तरह की गड़बड़ियां हुई है। इनकी सीबीआई जांच या फिर किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए, यह अपील नैनीताल हाईकोर्ट से की गई। गुरुवार को सेवानिवृत्त होने से पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांगी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इसी याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया सीबीआई जांच का। आपको याद होगा, जांच शुरू होने के साथ ही जब हाईकोर्ट में यह मामला गया था और वित्तीय अनियमितता और तमाम चीजों के आरोप लगे थे और हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, उस समय वित्तीय अनियमितता और नर्सरी घोटाले सहित कई मामलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने उद्यान विभाग के निदेशक हरविंदर बावेजा को 13 जून को निलंबित कर दिया था। यानी कि उससे पहले जो आरोप लग रहे थे उन पर कोई एक्शन हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही मामला हाईकोर्ट में गया और उसी समय 13 जून को बावेजा को निलंबित कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले में मंत्री, विधायक और न जाने कितने अफसरों पर आंच आने की नौबत आती हुई दिख रही है, क्योंकि यह जो घोटाला हुआ है, यह घोटाला निदेशक अकेले तो कर नहीं सकते हैं। यह 21 से और जून 2023 तक का मामला है, लगातार बहुत सारे जिलों से जुड़ा हुआ मामला है। इसके तार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक गए हुए हैं। इतना बड़ा घोटाला इतने सालों तक, इतने महीने तक अकेला तो कोई कर नहीं सकता है। इसीलिए सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट ने पारित किए और सीबीआई जांच होने पर अगर होती है, जैसे पार्टी, बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि इस पर विधिक राय ली जाएगी, उसके बाद सरकार कोई फैसला लेगी, लेकिन सीबीआई अगर इसकी परतें उघाड़नी शुरू करेगी तो उत्तराखंड में कई सारे अफसर और कई सारे सफेद पोश इसके दायरे में आ सकते हैं। इसीलिए उत्तराखंड की अफसरशाही में इस समय बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, और हड़कंप इसलिए भी मचा हुआ है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जो अफसरशाही में हड़कंप मचाने के लिए है। अभी जो पाखरो रेंज सफारी का जो मामला है उसमें भी अफसरों पर सवाल उठे हैं, उसमें भी मंत्री पर सवाल उठे हैं, तत्कालीन मंत्री पर। इसीलिए उत्तराखंड की अफसरशाही में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। यह घोटाला कितना बड़ा है इसको कुछ बिंदुओं के जरिए समझा जा सकता है। उद्यान विभाग के निदेशक रहे हरविंदर बवेजा पर आरोप है कि उन्होंने बिना सचिव की अनुमति के कीवी के पौधों का दाम रिवाइज करते हुए 75 रुपये प्रति पौधे से 225 रुपये प्रति पौधा कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं 75 से 225। इतना ही नहीं, कीवी ग्राफ्ट के दाम 175 रुपये प्रति पौधे से बढ़ाकर 275 रुपये प्रति पौधे कर दिए गए और इसी पर खरीद की गई। बवेजा ने चंपावत, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जिले के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखकर उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील की अनिका ट्रेडर से फलों के पौधे लेने के लिए दबाव बनाया। शासन स्तर की जांच में पता चला कि अनिका ट्रेडर्स नाम की कोई नर्सरी उस पते पर है ही नहीं जिस पते को दर्शाया गया दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि अनिका ट्रेडर्स उत्तरकाशी के बड़कोट में है लेकिन वहां उसकी नर्सरी नहीं है। नर्सरी का जो लाइसेंस दिया गया वो भी संदिग्ध है और इसी लाइसेंस के आधार पर उसे ऑर्डर दिया गया था। बवेजा पर आरोप है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की नर्सरी से निम्न प्रजाति के फलों के पौधे मंगवाए। हाईकोर्ट ने 1 मार्च 2023 को आदेश दिया कि अनिका ट्रेडर्स का कोई भुगतान नहीं किया जाए जब तक जांच चल रही है, जब तक मामला निपट ना जाए। लेकिन इसके बाद भी, इस आदेश के बावजूद, 2 और 3 मार्च 2023 को अनिका ट्रेडर्स को करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। यह हाईकोर्ट की अवमानना का मामला है। हिमाचल जम्मू कश्मीर से निम्न श्रेणी के पौधे मुख्यमंत्री एकीकृत विकास योजना के तहत मंगवाए गए। यह पूरा का पूरा जो मामला है यह इसी योजना के तहत होता है। इस योजना के तहत 50% राशि उद्यान विभाग से जाती है और बची हुई 50% राशि किसान से जाती है, 2 सालों में ली जाती है, और वह भी तब ली जाती है जब पौधे जीवित रहे। और इस ध्यान में देना चाहिए कि इस मामले में ज्यादातर जो पौधे हैं वो साधारण किसानों को दिए नहीं, विधायक के भाइयों को या फिर किसी बहुत महत्वपूर्ण लोगों को दिए गए। हाईकोर्ट में दर्ज याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल के लिए अनिका ट्रेडर्स पौधशाला से 1.5 लाख से ज्यादा पौधे के आदेश कैसे कर दिए गए। चुनिंदा किसानों को ही लाभ पहुंचाए जाने का भी निदेशक पर आरोप है। यह बड़ी गंभीर बात है। मैं केवल वो तथ्य बता रहा हूं जो मीडिया रिपोर्ट में सामने आए हैं, जो शासन की जांच में सामने आए हैं, जो हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाए गए हैं, उन तथ्यों की बात की जा रही है। यह गंभीर तथ्य है और आप अंदाजा लगाइए कि यह कितने करोड़ रुपए का घोटाला रहा होगा और इसका लाभ कहां कहां तक बटा होगा। यह तो माना ही नहीं जा सकता कि इतना बड़ा घोटाला बगैर किसी बंदर बांट के करीब 2 साल तक होता रहा होगा। यह चिंता की बात है। अब उस मामले पर आते हैं जिसके कारण बीजेपी के विधायक और मंत्री गणेश जोशी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्णमय राव और यशपाल आर्य इस्तीफा मांग रहे हैं। इस मामले को भी समझना चाहिए। इस मामले में उद्यान मंत्री गणेश जोशी और रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल तक भी आंच पहुंचती हुई सीधी सीधी साफ साफ दिख रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी अपनी पार्टी के विधायक प्रमोद नैनवाल को तलब किया है। इससे समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है। अगर ये मामला गंभीर ना होता तो महेंद्र भट्ट बुलाकर ये पूछते नहीं कि क्या आप सचमुच इसमें फंस रहे या नहीं फंस रहे, स्पष्टीकरण मांगा गया। हालांकि महेंद्र भट्ट ने उनको क्लीन चिट दी है मुलाकात के बाद। महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीबीआई जांच में सब सब के सामने आ जाएगा, क्या दूध है और क्या पानी है इसका पता लग जाएगा। कांग्रेस इस मामले को बेवजह तूल दे रही है, कांग्रेस का विरोध नौटंकी है। यह महेंद्र भट्ट कह रहे हैं। महेंद्र भट्ट की बात के बाद भी 2 तथ्यों पर गौर किया जाना चाहिए। मंत्री गणेश जोशी के विभाग का निदेशक 2 साल तक करोड़ों रुपए का घोटाला करता रहा और उनको इसका पता ही नहीं चला।
इस घोटाले में और भी बहुत से अफसरों की मिलीभगत रही होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर बवेजा ने अकेले इतना बड़ा कारनामा कर दिया हो? और अगर कर दिया और मंत्री साहब को पता नहीं तो भी ये तो और भी ज्यादा चिंता की बात है। तो फिर मंत्री क्या जांच पड़ताल नहीं करते हैं, विभागों का दौरा नहीं करते हैं? क्या केवल वोट मांगने और कैसे वोट आ सकते हैं? क्या इसी उधेड़ बुन में, इसी गुणा भाग में, क्या इसी कैलकुलेशन में 24 घंटे गुजरते हैं? और दूसरी बात, बेताल घाट में 2022 और 2023 के दौरान विभाग की हॉर्टिकल्चर मोबाइल टीम ने 3,100 सेब और कीवी के पौधे बांटे। इनमें से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल को ही अकेले 2,402 पौधे दे दिए गए। यह जानकारी अपनी रिपोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल के मुख्य उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह ने पेश की है। उन्होंने हाईकोर्ट में अपने शपथ पत्र के साथ 325 पेज का जवाब दाखिल किया है। हालांकि हाईकोर्ट ने उनके शपथ पत्रों को सतही और अधूरा बताया है, पर सवाल तो यह है कि बीजेपी विधायक के भाई के पास इतनी जमीन है क्या जिस पर 2,402 सेब और कीवी के पौधे रोपे जा सके? और अगर जमीन है भी तो प्रदेश में क्या और कोई किसान नहीं रहा? क्या ये साधारण किसानों को ये पौधे नहीं बांटे जाने चाहिए थे? क्या इस स्कीम का लाभ आम किसान तक नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या यह पौधे आवंटन में गड़बड़ी की ओर इशारा नहीं कर रहा हो रहा है? 3,100 में से 2,402 पौधे केवल बीजेपी के विधायक भाई सतीश नैनवाल को ही क्यों दे दिए गए? यह एक गंभीर सवाल है। हालांकि बीजेपी के विधायक प्रमोद नैनवाल का कहना है कि कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे, उनके भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनका यह भी कहना है कि उद्यान विभाग की जांच में भी उनके भाई का बगीचा सही पाया गया है। वो यह भी कहते हैं कि वहां पर जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं और वो स्वस्थ है, अच्छी क्वालिटी के। अब क्या सही है क्या सही नहीं है यह तो सीबीआई जांच में सामने आ ही जाएगा। अब तक इस मामले में उत्तराखंड शासन ने जितनी भी जांच कराई है वो संतुष्टि के लायक नहीं है, इसीलिए तो हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए हैं। यह तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है और बीजेपी विधायक इन्हीं जाँच रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए। हालांकि बीजेपी के विधायक ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया है कि उनकी भूमि पर लगाए गए पौधे सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले हैं। अब जांच सीबीआई के पास जा रही है तो यह भी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, पौधे किस गुणवत्ता के हैं, वो है भी कि नहीं है उनकी भूमि पर। अंत में एक अन्य बात भी की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि इतने बड़े घोटाले की जांच कराने का अनुभव एसआईटी के पास नहीं है क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसकी जांच एसआईटी को ही सौंपी हुई थी। यह पूरे राज्य के साथ ही राज्य की सीमाओं से भी आगे फैला हुआ मामला है। इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। बड़ी मात्रा में धन के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए मनी ट्रेल की जांच की जानी चाहिए जिसे राज्य के खजाने से गुप्त और जल्दबाजी में राज्य के बाहर स्थित निजी खातों में स्थानांतरित किया गया है। कोर्ट का यह भी कहना है कि बार बार शिकायत व जनहित याचिका के बाद भी राज्य सरकार ने उद्यान विभाग के तत्कालीन निदेशक एचएस बवेजा के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। उन्हें निलंबित तब किया गया जब न्यायालय ने सीबीआई जांच के संबंध में जवाब मांगा। इसके बाद ही एसआईटी गठित की गई। हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां बेहद ही गंभीर है और इस दिशा में चिंता पैदा करती है कि उत्तराखंड के विभाग और उन विभागों के मंत्री आखिर कर क्या रहे, काम हो कैसे रहा है, किस तालमेल से हो रहा है। अब ध्यान में रखना चाहिए कि हाईकोर्ट ने एसआईटी की जो जांच है उसको सीबीआई को सौंपने की जो आदेश है वो ये पहली बार नहीं दिया है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले पाखरो रेंज में पेड़ों के अवैध कटान और अवैध निर्माण की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को दी। इसके बाद तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई आरोपी है इस मामले में। इसके बाद इन पर सिकंजा सीबीआई का कसता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार के पंथदीप पार्किंग की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को दी और अब निलंबित उद्यान निदेशक बवेजा के खिलाफ जांच सीबीआई को सौंप दी है। इससे यह चिंता बन रही है कि प्रदेश की एजेंसियां क्या जांच कर रही है, क्यों जांच को सही दिशा में लेकर नहीं जा रही है, क्या किसी को बचाने के यत्न किए जाते हैं, क्या किसी को बचाने की कोशिश की जाती है। यह बिंदु सोचने पर मजबूर करते हैं जब हाईकोर्ट विजिलेंस की जांच, प्रदेश की एजेंसियों की जांच पर
सवाल खड़े करता है, टिप्पणी करता है। निलंबित उद्यान निदेशक हरविंदर बवेजा के खिलाफ हाईकोर्ट का सीबीआई जांच का आदेश एक बड़ी घटना है प्रदेश में। लेकिन इस घोटाले के समय जो भी कृषि मंत्री, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव सचिव रहे हैं, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? हालांकि सीबीआई जांच होगी तो इन लोगों का भी जांच के दायरे में आना लाजमी होगा। इन लोगों से भी सवाल पूछे ही जाएंगे, इन लोगों से भी पूछा जाएगा कि आप क्या आँख बंद करके बैठे हुए थे। इसीलिए उत्तराखंड की अफसरशाही में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जाँच की आँच कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी यह तो जब जाँच शुरू हो जाएगी तभी समझ में आएगा। बावेजा लूट मचाता रहा और कौन कौन तमाशबीन बने रहे, इस पर तो पर्दा हटना ही चाहिए। उत्तराखंड की जनता भी ऐसा चाहती है। कौन कौन हिस्सेदार रहे हैं, इसकी परतें उड़ेगी, ऐसा उत्तराखंड की जनता को भरोसा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ बार बार मुहिम पर आते हुए दिखते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण देहरादून में फर्जी रजिस्ट्रियों के मामले हैं, जो हर दिन खुलते जा रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई कड़ी खुलती जा रही है। इसके पहले उत्तराखंड की सरकारी भर्ती, सरकारी नौकरियों के लिए जो भर्ती परीक्षाएँ हैं, उनमें कैसे सालों तक लूट मची रही, कैसे उन भर्तियों को बेचने का, पदों को बेचने का काम होता रहा, कैसे पेपर लीक होते रहे, उस पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिरिक्त सक्रियता दिखाकर उस मामले को सिरे तक पहुंचाया। अब ये माना जाना चाहिए कि ये मामला भी सिरे तक पहुंचेगा ही। इसीलिए ये माना जाना चाहिए कि कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो या फिर कोई भी बड़ा अफसर हो, वो बचेगा नहीं, वो नफी जाएगा। सीबीआई जाँच होगी तो सामने दूध का दूध, पानी का पानी आ ही जाएगा।